नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल बेसिक के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस सूट्स के अंदर आता है। एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और नोटबुक की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऑफिस टूल के अंदर आने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो हम लोगों को डे टू डे हमारे ऑफिस या होम लाइफ पे काम आता है। आज हम लोग एक्सेल बेसिक की फर्स्ट पार्ट की वीडियो करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कुछ एक्सेल की फॉर्मूलाज देखेंगे और एक्सेल की बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। तो एक्सेल इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला पेज आपको एक्सेल ओपन करने के बाद इस तरह का आता है। इसके अंदर बहुत तरह का ऊपर में मेनूज आता है। पहला मेनू होम है, उसके बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, प्रीव्यू, व्यूज, डेवलपर ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता है, इसको एनेबल करना पड़ता है। इसके अलावा हेल्प आता है। हेल्प के अंदर जाके आप हेल्प टॉपिक वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल का बहुत तरीके के हेल्प टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसे रीड करके भी एक्सेल सीख सकते हैं। तो ये बेसिक मेनूज है एक्सेल का, जिसके अंदर हर एक मेनू के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग एक्सेल फार्मूलाज आज बात करेंगे वो होगा एक्सेल की कुछ बेसिक फार्मूला लाइक सम, काउंट, एवरेज, इस तरह का। तो सबसे पहला जो हम लोग एक्सेल की फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेटा सेट बनाया है जिसके अंदर कुछ आइटम की नेम है और कुछ आइटम की क्वांटिटी एंड प्राइस है। इसके ऊपर हम लोग आज फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा। एक्सेल में जो होगा होता है, इस तरफ आपका रोज रहता है, ऊपर की तरफ आपका कॉलम्स होता है। तो आज हम लोग एक्सेल की बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर सम की ऑपरेशन। सम मतलब जोड़ना। हम लोग यहाँ पर एक्सेल को जोड़ पाए, एक्सेल में जो है ना फार्मूला लगा के प्लस भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लस भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के, इसके बारे में देखेंगे। ये एक्सेल की जो वीडियो है, ये बेसिक वीडियोस है जो स्टेज बाय स्टेज आपके पास आएगा। जिसको एक्सेल आता है वो भी इसे देख सकते हैं, जिसको एक्सेल नहीं आता वो भी इसे देख सकते हैं, जो एक्सेल में एक्सपर्ट है वो भी अपने रिमेंबर के लिए इसे दोबारा माइंड करने के लिए इसे देख सकते हैं, रिमेंबर करने के लिए। तो पहला फार्मूला, कोई भी फार्मूला एक्सेल में हम लोग पुट करने से पहले इक्वल्स टू या फिर प्लस का सिंबल देंगे, उसके बाद ही फार्मूला लिखेंगे। इक्वल्स टू या प्लस दोनों सेम काम करेगा। हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू या प्लस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू देने के बाद जो हम लोग सम करना चाहते हैं, सम का कमांड है SUM, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद आपको बोल रहा है numbers, मतलब आपको एक एक करके नंबर्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नंबर्स एंटर करने के जगह यहाँ पर हम लोग उस पर्टिकुलर रोज को पूरा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम आ चुका है। इसी को आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं वाया कीबोर्ड। आप ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू की अगर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रोज सिलेक्ट कर लेगा, जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है। सेम फार्मूला, सेम फंक्शन आपका काम करेगा। यही फार्मूला एंड फंक्शन ऊपर की तरफ आपका होम मेनू में जब आप रहेंगे, ऊपर की तरफ आपको ऑटो सम का मेनू है जिसको आप क्लिक करेंगे। ऑटो सम का मेनू क्लिक करने से भी सेम फार्मूला रन होगा, आप इसे एंटर करेंगे, इसमें भी आप फार्मूला यूज़ कर पाएंगे सम का। तो सम में हम लोग देखें कि सम का फार्मूला के लिए हम लोग इक्वल्स टू सम और फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग जो भी वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं वो वैल्यूज़ को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करने से आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। आप पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल को भी सम में ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्टेड सेल को ले रहा हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट लेने के बाद मैं सिर्फ सेल वैल्यू जो है 7 नंबर रोज को लूँगा, रो को, एंड अगेन मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल बटन दबाऊँगा, नेक्स्ट वैल्यू लूँगा जो कि 10 नंबर वैल्यू है और लास्ट 11 नंबर वैल्यू लूँगा। मैं ये तीन वैल्यू को ही सम करना चाहता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये तीनों का सम यहाँ पर आपके पास आ रहा है। इस तरह से आप सम को भी मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। अगर आप यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। आप ये दोनों का भी सम यहाँ पर कर सकते हैं। और सम को करने के बाद ये जो लास्ट सेल के अंदर जो लास्ट कोने की तरफ जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपका एक प्लस का सिंबल आता है, ये आने के बाद आपको इसको ड्रैग करने से ये टोटली आपका हर एक सेल में ऑटोमेटिकली ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
कोई भी फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है, जो ऊपर की तरफ आप फार्मूला बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में ये फार्मूला यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी सेल में अगर क्लिक करेंगे और ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको फार्मूला दिख जाएगा। तो इस तरह से आप सम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से। नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है काउंट। काउंट मतलब कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। ये बहुत ही ईजी है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा डेटा है। जब ये लार्ज डेटा के ऊपर आप काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मैनुअली काउंट करने के लिए। इसी का सल्यूशन करने के लिए हम लोग काउंट कमांड यूज़ करेंगे, CONT, काउंट, फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और जितना भी रोज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है कि 5 काउंट है, लेकिन यही काउंट का फार्मूला अगर हम लोग इस तरफ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये नंबर्स में नहीं है, टेक्स्ट पे है। तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ रहा है, हालांकि यहाँ पर 5 काउंट है। पे बॉल, पेंसिल, पेन, बुक्स और बैग्स को अगर लेंगे तो 5 काउंट है, लेकिन ये काउंट 0 दिखा रहा है। इसके लिए हम लोग एक अलग फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है काउंट ए। काउंट ए मतलब आप टेक्स्ट को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काउंट आ चुका है। तो काउंट और काउंट ए, काउंट नॉर्मली वैल्यूज को काउंट करने के लिए होता है, नंबर्स को। काउंट ए आपका टेक्स्ट को भी काउंट करता है। तो इस तरह से आप काउंट का फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग चेक करेंगे वो है मिनिमम। यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इस टोटल वैल्यू के अंदर हम लोग मिनिमम वैल्यू को लेके आएंगे। मिनिमम MIN लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, उसके बाद मैं रोज़ यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, जितना भी डेटा सेट मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है 20 आ रहा है। सेम इसी तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरफ तो सेम फार्मूला आपका नेक्स्ट कॉलम में भी अप्लाई हो जाएगा। 133 इस रो के अंदर आपका, इस डेटा सेट के अंदर आपका 133 है मिनिमम वैल्यू। सेम इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कमांड रन करेंगे जो कि है मैक्सिमम वैल्यू। हम लोग यहां पर मैक्स लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट देंगे। सेम उसी तरह से हम लोग सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 100 है। सेम इसी तरह से इसी फार्मूला को हम लोग ड्रैग करके इधर पेस्ट करेंगे तो यहां पर आप 1020 जो है यहाँ का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख पाए। नेक्स्ट कमांड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है एवरेज। मतलब ये टोटल वैल्यूज़ के अंदर हम लोग इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज की यहाँ पर इक्वल्स टू या फिर प्लस हम लोग देंगे, उसके बाद लिखेंगे एवरेज, फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर सेल रेंज हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कितना दूर तक हम लोग इसे करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये टोटल क्वांटिटी का एवरेज होता है 46। तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसी तरह से सेम फार्मूला हम इस तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर अप्लाई यहाँ पर फार्मूला वापस हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एवरेज है 417.2। यही सेम फार्मूला आप यहाँ पर ऊपर दिए गए ऑटो सम के बार के एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फार्मूला यहाँ से आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। सेल के लास्ट सेल में आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको एवरेज करना है तो ऑटोमेटिकली एवरेज की फार्मूला आ जाएगा और आप एंटर करेंगे, एवरेज की फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्सेल की बहुत ही बेसिक लेवल का फार्मूला है, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसकी एडवांस फार्मूला के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।